बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। देश में कोविड-19 के चलते आगामी 3 मई तक चल रहे लॉकडाउन में मजदूर और गरीब परिवारों को समाज सेवियों के द्वारा कच्चे और पक्के राशन वितरण के जरिए अपनी सेवा कर रहे हैं। तो वहीं एक समाज सेवी अनोखी तरह से सेवा कर गरीबों की मदद कर रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन की शुरुआत में राशन वितरण लगातार गरीब और असहाय लोगों की मदद के बाद रामनगर निवासी भरत पराशर दरअसल लॉकडाउन के चलते काशीपुर में अपने ससुराल में फंसे हैं, जिसके बाद भरत ने काशीपुर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गरीब और असहाय लोगों की मदद करने की ठानी। गरीब और असहाय लोगों की मदद करने की अनूठी पहल शुरू करते हुए गरीबों के लिए फ्री सब्जी वितरण की सेवा शुरू की। इसके लिए उन्होंने एक सब्जी विक्रेता से उसकी सारी सब्जियां खरीद ली और उसके बाद उन सब्जियों को फ्री वितरित किया। अपनी इस सेवा से वह काफ़ी संतुष्ट नजर आए। जैसे लोग बेचारे सब्जी नहीं मिल पा रही है, टाइम से लोगों को परेशानी हो रही है, पैसा नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ, मैंने ये सब्जी खरीदी है, अभी सुबह खरीदता हूँ मैं और फिर इसको फ्री में देता रहता हूँ सबको। अच्छा, आज ये पूरा ठेला लिया है, मतलब पूरा ठेला हमने खरीदा आज ये सब्जी का। अच्छा, कितने लोग जुड़े हुए हैं लोगों इसमें? नहीं, अभी तो मैं अकेले ही काम करता हूँ और अकेला ही देता हूँ। अच्छा, आपके सब्जी हमारे पास आलू है, लौकी है, गोभी है, बैंगन है, टमाटर है, आलू प्याज है, भिंडी है, ये बीन है और नींबू है, खीरा है, कद्दू है, कुछ मुझे तो अभी कितना। अच्छा, इसके पहले आपने किस तरह से सेवा की लॉकडाउन के? पहले हमने राशन बांटा है रामनगर में, कई क्षेत्रों में हमने राशन बांटा है, जो मैंने आपको पहले बताया है। हमारे संजय नेगी जी हैं, वो उधर क्षेत्र में कर रहे हैं काम। कितने लोगों की आपकी टीम है? हमारे पास टीम में काफ़ी लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। क्या किसी नाम से है टीम या? नहीं, कोई नाम से नहीं है, हम खाली समाज सेवा के रूप में काम कर रहे हैं।